इस देश में बहुत सारे इतिहासकार हैं जो नेहरू जी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन पब्लिक में जाकर बोलना ताकत नहीं है। नेहरू जी एक दिन में 60 सिगरेट पीते थे, चेन स्मोकर थे। एक सिगरेट छूटे तो दूसरी चालू, दूसरी छूटे तो तीसरी चालू। जिन्ना एक दिन में 72 सिगरेट पीता था। दोनों एक ही ब्रांड की शराब पीते थे। पेरिस में, फ्रांस में एक शराब बनती है जिसका नाम है कॉइनेक। उस जमाने में उसकी एक बोतल 16,000 रुपए की आती थी और उस जमाने का एक रुपया आज के 300 रुपए के बराबर है। तो दोनों की शराबें पेरिस से आती थी, कपड़े धुनने के लिए पेरिस जाया करते थे। सिगरेट पीना, शराब पीना और मांस का खाना खाना। जिन्ना सुअर का मांस खा लेता था, नेहरू जी गाय का भी मांस खा लेते थे। इसका पता कैसे चला? जैसे ही देश के बंटवारे हुए तो बंटवारे के तुरंत बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नेहरू जी के सामने एक प्रस्ताव लाया कि नेहरू जी आपने लाहौर में एक भाषण दिया था और बोला था कि मैं कभी भारत का प्रधानमंत्री बन गया या मेरे हाथ में देश की बागडोर आई तो गाय की हत्या बंद करने वाला कानून एक मिनट में बनाऊंगा। अब देश के आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, गो हत्या बंद करने का कानून तो बना दो। तो नेहरू जी का बहुत मुस्कुराते हुए उत्तर था कि वो पहले की बात थी, अभी की थोड़ी। तो उसने पूछा, क्यों, क्या तकलीफ है आपको? गोरक्षा का कानून बन जाना चाहिए इस देश में, क्या तकलीफ है आपको? तो नेहरू जी ने कहा, मेरे लंच का क्या होगा? और नेहरू जी का सेक्रेटरी जिसका नाम था जॉन मथाई, वो लिख कर गया है कि नेहरू जी के लंच में बीफ चलता था। बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, वो खुद गाय का मांस खाते थे और अपने को कश्मीरी पंडित कहा करते थे। नेहरू जी की इन दो छोटी सी दुष्चरित्रताओं ने पूरे देश में सत्यानाश कर दिया। क्या सत्यानाश हुआ? अंग्रेजों को पता था कि ये आदमी ऐसा है जिसको हम चाहें तो घुमा सकते हैं। क्यों? जिसको चरित्र में कमजोरी आ जाती है, जो लंगोट से पक्का नहीं होता है, उसको चाहे वो घुमा सकता है। ये दुनिया में सबसे बड़ा उसूल है सार्वजनिक सामाजिक काम करने वालों के लिए, जो लंगोट का पक्का नहीं होता है उसको चाहे वो घुमा सकता है। तो अंग्रेजों को पता चल गया कि ये तो बहुत कच्चा आदमी है, तो उन्होंने उस कच्चे आदमी के कच्चेपन का भरपूर फायदा उठाया और संसद में बार बार भाषण हुआ। एटली बोलता है, चर्चिल बोलता है कि चिंता मत करो, नेहरू के हाथ में सत्ता है, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो आप चाहेंगे तो क्या होगा? तो चर्चिल ने कहा कि चिंता मत करो, भारत से हम लौटने के बाद भी भारत में वही होगा जो हम चाहेंगे। तो एटली पूछ रहा है कि विस्तार से जरा बताओ, तो चर्चिल कहता है कि देखो, हम भारत को छोड़ देंगे लेकिन हमारी भाषा भारत में रहेगी, हम भारत को छोड़ देंगे लेकिन हमारे कानून भारत में रहेंगे, हम भारत को छोड़ देंगे हमारी संस्कृति भारत में रहेगी, हम भारत को छोड़ देंगे हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत में रहेगी, हम भारत को छोड़ देंगे हमारी संस्थाएं भारत में रहेंगी, हम भारत को छोड़ देंगे हमारा धर्म भारत में रहेगा। और ऐसा बोलते बोलते कह गया कि बस इतना ही होगा कि अभी हम गोरे अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, कल से काले अंग्रेज करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। और आप जानते हैं, आजादी मिलने के बाद नेहरू जी का जो पहला भाषण हुआ भारत की संसद में, वो संसद के अंदर रिकॉर्डेड है, 3.5 घंटे का स्पीच है जिसमें नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत की आजादी के बाद हमें भारत चलाना है तो इन्हीं अंग्रेजों की मदद लेनी पड़ेगी जिन्होंने अब तक भारत चलाया है, इसलिए मैं संसद में ये अनाउंस करता हूं कि अंग्रेजों की बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था जैसी की तैसी ही चलेगी। माने ICS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, सारे के सारे ऑफिसर्स वैसे ही रहेंगे, अंग्रेजों की बनाई गई पुलिस वैसी की वैसी ही रहेगी। और उसी दिन से तय हो गया कि भारत की आजादी शून्य है, क्योंकि जिस बात के लिए भगत सिंह आजादी चाहते थे वो तो हुआ नहीं। भगत सिंह का सपना क्या था? 28 सितंबर 2007 को भारत की सरकार भगत सिंह के डायरी के बहुत सारे पन्ने पब्लिश करने जा रही है जो आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो अब तक छुपा के रखे गए, जानबूझकर छुपा कर रखे गए।
कुछ ऐसे पन्ने हैं भगत सिंह की डायरी के जो देश के सामने आने चाहिए थे 50 साल पहले, लेकिन नहीं लाए गए। क्यों? क्योंकि उन पन्नों में भगत सिंह ने भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए उसका खाका लिखा। भगत सिंह लिखते हैं कि आजादी के बाद भारत में अंग्रेजों के कानून नहीं चलेंगे, अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था नहीं चलेगी, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था नहीं चलेगी। लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कह रहे हैं संसद में कि आजादी के बाद हमें अंग्रेजी पुलिस भी चाहिए, कानून भी चाहिए, अधिकारी भी चाहिए। तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून जिसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, नेहरू जी ने नहीं बदला। इंडियन पुलिस एक्ट, नेहरू जी ने नहीं बदला। इंडियन एजुकेशन एक्ट, नेहरू जी ने नहीं बदला। लैंड एक्विजिशन एक्ट, नेहरू जी ने नहीं बदला। और 34,735 कानून नहीं बदले जो बदलने चाहिए थे पहले ही दिन 15 अगस्त 1947 को। वो सब के सब कानून हमारे ऊपर लदे हुए हैं और आज भी हम उन कानूनों के नीचे गुलाम हैं। अंग्रेजों की पुलिस को इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर यह अधिकार था कि वो जब चाहे किसी हिंदुस्तानी को मारपीट कर सकते हैं, जब चाहे किसी हिंदुस्तानी के घर में घुस सकते हैं, न्यूसेंस खड़ा कर सकते हैं, उसके घर के सामान को तितर बितर कर सकते हैं। ये अधिकार हर पुलिस ऑफिसर को था। आजादी मिलने के 60 साल बाद भी ये अधिकार पुलिस ऑफिसर को है। वो जब चाहे आपकी पिटाई कर सकता है, जब चाहे उठाकर आपको लॉकअप पे बंद कर सकता है, जब चाहे उठाकर आपकी संपत्ति लेके जा सकता है और आप उस पुलिस ऑफिसर का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर वो आपको एनकाउंटर में मार दे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इसी ताकत का दुरुपयोग करते हैं पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, नंदीग्राम बंगाल में। और उस दुरुपयोग का अंतिम दुष्परिणाम होता है कि समाज के अंदर पुलिस के खिलाफ एक बगावत की भावना होती है जो कभी कभी किसी गलत रास्ते पर मुड़ जाती है। ये कानून बदला नहीं, इंडियन एजुकेशन बदला नहीं, अंग्रेजी को भगाया नहीं। जब अंग्रेज भागे तो अंग्रेजी जानी चाहिए, वो भगाया नहीं। सब कुछ रख लिया, बस अंग्रेज चले जाएं, बाकी सब भारत में रह जाए, ये आजादी का तथ्य निकला। भगत सिंह का सपना था कि अंग्रेज के साथ अंग्रेजियत जाए इस देश में से, अंग्रेजों के साथ अंग्रेजियत जाए, ये भगत सिंह का सपना था। लेकिन आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री पहले पंडित नेहरू ने अंग्रेजों को विदा किया, अंग्रेजियत को संभाल के रख लिया। दुष्परिणाम क्या हुआ उसका? अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तो भारत में गाय का कत्ल करने के लिए 350 कत्ल खाने होते थे। अब अंग्रेजों के जाने के 60 साल के बाद इस देश में 36,000 कत्ल खाने हो गए गाय का कत्ल करने वाले। जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर गए थे तो एक साल में 30,000 गाय कटती थी। अब अंग्रेजों के 60 साल के बाद इस देश में एक दिन में 30,000 गाय कट जाती है। ये हमने विकास किया। अंग्रेज जब इस देश को छोड़कर गए थे तो गाय का मांस अंग्रेजों की पुलिस खाती थी और अंग्रेजों की सेना खाती थी। अंग्रेजों के चले जाने के 60 साल के बाद भारत की गायों का मांस दुनिया के तमाम लोग खा रहे हैं। यहां से गाय का मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में ये जो कानून नहीं बदला सरकार ने, अंग्रेजों के जाने के बाद भी नहीं बदला, उसका आज दुष्परिणाम ये है कि गाय के एक एक साल के बछड़े, दो दो साल के बछड़े रात दिन काटे जाते हैं, ट्रक के ट्रक भर के कत्ल खानों में भेजे जाते हैं। किसी कत्ल खाने के सामने आप जाके 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। पंजाब से गायों का इतना कत्ल हुआ है कि देशी गाय ही दिखाई नहीं देती इस पूरे पंजाब में। पंजाब के मैं जितने भी गांव में आज तक गया हूं, किसी भी गांव में देशी गाय का दर्शन नहीं मिला। हिंदुस्तानी गाय, थरपारकर, साहीवाल, कांकरेजी, लाल सिंधी, सफेद सिंधी, राठी, ये सब भारत की गाय है, कहीं दिखने को नहीं मिलती है। जो पंजाब में दिखाई देती है वो सब अमरीकी गाय, होलिस्टियन फ्रीजियन, जिसको अंग्रेजों ने लाकर यहां छोड़ा और हिंदुस्तानी गाय को साफ करा दिया। और ये सिर्फ पंजाब का हाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है, देशी गाय का बड़े पैमाने पर कत्ल। अंग्रेजों का तर्क ये था कि गाय का मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आज हमारे देश में जो काले अंग्रेज चला रहे हैं सरकार को, वो भी यही कहते हैं कि गाय का मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए गाय का कत्ल बंद नहीं हो सकता।